hello everyone welcome to tarun IS. this is your host and those sevam shukla so i am back with yet another video of this particular series which we have started for you guys those guys who are appearing for mains 2023 and maybe next year for 2024 we are going to cover most important 75 issues विद रिस्पेक्ट टू द मेन्स परस्पेक्टिव एंड दिस विल बी देयर इन द इंट्रोडक्शन बॉडी कॉन्क्लूजन फॉर्मेट वी विल कवर ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल विद रिस्पेक्ट टू प्रलिम्स एंड मेन्स रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर इशूज ठीक है सो कंटिन्यूंग फ्रॉम द लास्ट सीरीज वी है टुडेज टॉपिक इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अभी तक हमने जो इशूज कवर करे हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड रहे हैं ठीक है यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन द तरुण आयस यूट्यूब चैनल ठीक है छह uh, इश्यूज इसके पहले आ चुके हैं दिस इज द सेवंथ वंस ठीक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक तो क्रिएशन ऑफ नीति आयोग आफ्टर द प्लानिंग कमीशन हैज हैपेंड ऑन दिस बेसिस ओनली ठीक है कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडिया में यू you नो know, धरातल पे लेके आना ये उसका सबसे मेन मैंडेट है एंड

इंटर स्टेट काउंसिल की मीट में उन्होंने बोला था सो so, uh, एक तरह से वो बार बार इस चीज को रिट्रेट करते रहते हैं कि कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस इफ स्टेट्स डू नॉट कोऑपरेट एंड कंपीट विद ईच इज यू नो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सेट्स ऑफ फेडरलिज्म इंडिया ग्रोथ ट्राजेक्टरी ठीक है तो सबसे पहले उन्होंने अपने व्यूज शेयर करी ठीक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में उन्होंने क्या बोला ही ही सेड एक्नोलॉजि डाइवर्स स्कीम्स एंड वर्किंग स्टाइल्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट विद डिफरेंट डिमांड्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट सो डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स आर रिक्वायर्ड डिफरेंट ऑफ यू नो काटोनोमी इज रिक्वायर्ड एट द स्टेट लेवल ठीक है इट ही ऑल्सो कमेंडेड द स्टेट्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एग्जेम्पलरी वर्क ठीक है नेक्स्ट ही एम्फाजाइज्ड ट करके भी चलना है विद इन एंड दे है इट ही ऑल्सो हाईलाइटेड द इंपोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन ड्राइविंग ओवरऑल डेवलपमेंट जब लोग आपस में कंपीट करेंगे तभी तो एक यू you नो know, होड़ मचेगी कि मैं अच्छा करूं मैं अच्छा करूँ ट्स वाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कम्स इन टू पिक्चर ठीक है uh, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वॉट इज द डेफिनेशन वॉट इज दाउलर टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वर्ड कोलेबोरेट करके जो कुछ भी करना है वो हमें करना है कोलेबोरेशन किसके बीच में फेडरल स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट एट ऑल दवेंट टीयर वन टियर टू एन टी थ्री तीनों लेवल पे जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा एंड कोलैबोरेशन होगा ठीक है सब, है, सब सारे same time, same कर रहे है, है तो सबको कोलैबोरेट करके कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ कंपीट करके इन गुड फेथ एवरी शुड गो टूवर्ड्स कंप्लीटिंग द सेम विजन सॉल्विंग द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सिस्टम्स लाइक इंडिया और कैनेडा पॉलिसीज आर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस यानी जब भी फेडरल स्टेट होते हैं वहां पर स्टेट्स भी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं सेंटर अलग बनाता है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं बट एट द सेम टाइम देर रिस्क कोलेबोरेशन ठीक है उनको पता है कि भाई सेंटर हमारे ऊपर बैठा हुआ है जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉग सेंटर बिग ब्रदर आ, का जो अप्रोच आता है इन्फ्लुएं स्टेट पॉलिसी फेडरल बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इट इन्एंजाम्पल लोकल गवर्नमेंट केस में मॉडल एक्ट आया पंचायती राज वाला ठीक है तो उन्होंने एक खाका बना के दिया कि यू कैन डिजाइन योर ओन अ पंचायत लॉ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर जोग्राफी ठीक है तो कैसे देते हैं इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं स्टेट की पॉलिसीज को थ्रू फंडिंग एक तो फंड प्रोवाइड करते हैं दूसरा पॉलिसी मैनिपुलेशन स्टेट टू मोडिफाई द पॉलिसीज इन अटेन वे सो दैट यू नो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैन भी मेन्टेन्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये तीनों ही केसेस में फेडरल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है स्टेट को फॉर एग्जाम्पल कैसे फेडरल ग्रांट्स फॉर मेन्टेनिंग नेशनल हाईवेज ठीक है अब जो हाईवेज बना रहे हैं एक स्टेट हाईवेज होते हैं जो अपने विद इन द स्टेट कम्युनिटीज लेकिन इंटर स्टेट यू नो ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं तो उसमें कोऑपरेट करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इट एम्फोसाइजेज गवर्नेंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स तो कोऑपरेशन एंड फेडरलिज्म का मतलब ही यही है कि भाई आप ज्वाइंटली काम करो शेयर्ड गोल्स को निपटाने के लिए उनको यू नो अचीव करने के लिए अब यहाँ पे है कोऑपरेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव वर्सेस फिस्कल फेडरलिज्म ये तीनों टर्म आपने सुने होंगे ठीक है तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे यू नो दे वर्क इन कंसोनेंस ये आपको समझना है सबसे पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाट इज इज दिस दिस द हॉरिजॉन्टल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर मतलब ये सेंटर है ये स्टेट है ये स्टेट वन स्टेट टू स्टेट थ्री ठीक है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ये सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं यू नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फंड एंड पॉलिसीज सबका एक साथ चल रहा है एट द हॉरिजॉन्टल लेवल दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन कोऑपरेटिंग फेडरलिज्मीक है वी ऑल आर एट द सेम लेवल वी आर एक्सचेंजिंग द आइडियाज वी आर एक्सचेंजिंग द पावर सबका सेम पावर है और सबकी यू नो सेम आ, अप्रोच है वर्क करने की स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द नेशनल पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब सेंटर जो पॉलिसी बना रहा है उसमें स्टेट का कोऑपरेशन पूरा जा रहा है या उनसे कंसल्ट करके ही जो पॉलिसी बनाएगा दिस इज कॉल्ड जैसे जीएसटी के केस में हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की सब हर स्टेट के टैक्स को वो डिफाइन कर रहे थे कि भाई रिफॉर्म करना है टैक्स सिस्टम तो सबसे बैठ के उन्होंने बात करी और सबसे कंसल्ट करने के बाद एक टैक्स स्ट्रक्चर लेके आए जिसको सारे देश ने अच्छे से अपनाया ठीक है सो दिस इज द एग्जाम्पल कोऑपरेशन ऑन सब्जेक्ट्स डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल सेवन सेवन शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड द यू नो यूनियन लिस्ट है उस उसपे स्टेट के इनपुट्स भी लेता है कानून बनाते समय सेंटर और स्टेट्स तो अपने कानून बनाते ही हैं और जहां कॉन्करेंट लिस्ट है वहां पे दोनों कंसोनेंस में काम करते हैं ठीक है so this is, you know, conflict minimum रहे, तो तो दिस इज यू नो कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम रहे ये वाली अप्रोच है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वर्टिकल ठीक है यहां पे सेंटर ऊपर आ गया स्टेट वन स्टेट टू किसी स्टेट पे है स्टेट थ्री में भी थर्ड लेवल पे है स्टेट यू नो ट्वेंटी एट सबसे नीचे है ठीक है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वे एंड डेवलपमेंटल वे ठीक है एक पूरे डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वर्टिकल रिलेशन है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर विद कंपटीशन फॉर फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट को कि किसको कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन दिस सेंटर अलॉट्स द फंड्स एज वेल एज द यू नो पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग्स स्टेट कंपीट अगेंस्ट ईच अदर तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को फंड और पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही है ठीक है और ये एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कि भाई मुझे ज्यादा दो मुझे ज्यादा दो मुझे मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है तो दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच इज हेयर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट प्रमोट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड प्रोग्रेस थ्रू इंडा लाइक दोस्त डेवलप्ड बाय नीति आयोग अब नीति आयोग ने कैसे इसको प्रमोट करने की कोशिश करी है जो रैंकिंग और इंडाइसिस बहुत सारी आ रही हैं एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सारी चीजें कि आप ईज ऑफ रिफॉर्म्स ठीक है तो अलग अलग यू नो इंडेक्सेस निकाल रही है उसमें अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग आती है तो जिसकी लो आती है दे गेट यू नो ट्राई टू पर्टिकुलर रैंक तो सब अच्छा काम करेंगे अल्टीमेटली तो दिस अप्रोच इज कॉम्पिटेटिव फिजिकल फेडरलिज्म स्मॉल द फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शन डिविजन बिटवीन द फेडरल लेवल्स

इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ-कहाँ कितना है और किस तरह से सिस्टम डिफाइन हुआ है ठीक है तो इसमें मैंने कुछ फ्रेमवर्क वाली बात की आपको the, uh, you know, तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव टर्म्स में बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में तो हमारे फ्रेमवर्क में क्या क्या है सबसे पहले है शेड्यूल सेवन यहाँ पे क्लियर कट डिविजन है पावर्स का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कैसे स्टेट लिस्ट ठीक है यूनियन लिस्ट एंड कॉन करेंट लिस्ट प्रॉपरली डिफाइंड है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा ऐसी भी है कि यू नो कई बार यूनियन कैसे सेंटर स्टेट uh, से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ठीक है तो डेफिनेटली ऑल इक्वेशन है मैथमेटिकली नेक्स्ट इज आर्टिकल वन थर्टी वन प्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन फॉर केसेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ठीक है अगर ये अरेंजमेंट बिगड़ता भी है तो जो भी इशूज अराइज होंगे उसको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्टिक्शन जो वर्क करता है स्टेट्स और सेंटर्स के बीच में आने वाले यू you नो know, जो भी इशूज आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए नेक्स्ट इज कोशन गवर्नमेंट इंक्रीज स्टेट बार्गेनिंग पावर दिस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेकेनिजम्स कि कोयलेशन गवर्नमेंट हमारे इंडिया में फॉर्म हो सकती है के बाद बोलते हैं आया जिसमें रीजनल पार्टीज बिकेम स्ट्रॉगर देयर बार्गेनिंग पावर दे कैन बार्गेन विद द सेंटर के हमें ये पर्टिकुलर चीज चाहिए नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे तो दैट वे दे आर ऑल्सो गेटिंग मोर एंड मोर अथॉरिटी ठीक है मोर एंड मोर यू नो शेयर इन द डिसीजन मेकिंग इन द अलोकेशन ऑफ द फंड्स प्लान्स पॉलिसीज ऑल दीज थिंग्स नेक्स्ट इज पोलिटिकल मेच्योरिटी इम्प्रूव हैंडलिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल अंडर

कि जीएसटी यानी इंप्रूव्ड रिफॉर्म्ड टैक्स स्ट्रक्चर लेके आए के यू नो टाइम पे और दूसरा इंक्रीज आफ्टर फाइनेंस कमीशन अब अराउंड फोर्टी टू परसेंट हो गया है ठीक है जितना टैक्स uh, आता है ओवरऑल मिला के उसमें फोर्टी टू परसेंट शेयर गोस टू रेस्पेक्टिव स्टेट्स ठीक है सो दिस इज वन ऑफ यू नो फाइनेंशियल कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स एंड द सेंटर नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हाउ इंस्टीट्यूशन हैव बीन डिफाइंड और यू नो डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टेक्स इन टू अकाउंट नीति आयोग इट प्रोमोट द बॉटम अप डेवलपमेंट प्लानिंग एंड कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग का जो यू नो फाउंडेशन ही यही है कि आपको कॉम्पिटेटिव एंड कॉपरेटिव फेडरलिज्म करना है प्लानिंग जो होती थी पहले प्लान बना के जो अप्रोच थी डेवलपमेंट की वो खत्म कर दी सेंट्रलाइज प्लानिंग एकदम से खत्म हो चुकी है स्टेट्स विल डिसाइड के हमें ये ये करना है यू गिव द फंड डू एंड नीति आयोग विल हेल्प यू डूइंग थिंग्स इन द प्लानिंग you फेज know, जैसे कि हाउ टू डू इट सजेस्ट यू वे बाई देस एंड ऑल नेक्स्ट इज इंटर स्टेट काउंसिल माइंड यू दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल थिंगट्यूशन ये कंस्टिट्यूशन में कहीं मैं इंटरस्टेट काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री में ठीक है तो वट डज इट सेमड फॉर इम्प्रूव कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ठीक है इसके दो-तीन जो लिस्टेड में इसमें सीधा-सीधा बोलता है कि आपके बीच में जो भी इशूज आए आप बैठ के बात करो एंड सेंटर इशूज ठीक है तो ये सेशन बनाया ये गया तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल वे जोनल काउंसिल्स बनाई गई अलग अलग जिसमें इनफॉर्मल डिस्कशन हो सके इंट्रा एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए ठीक है तो जोनल काउंसिल्स फर्दर एक नेक्स्ट स्टेप जाती है कि आप और इनफॉर्मली बैठ के बात करो चीजें सुलझाओ ठीक है नेक्स्ट इज अदर फोरम्स क्या कौन कौन से हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा एक्टिव थी नेक्स्ट इज इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल दिस देयर एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो सेंट्रल काउंसिल ऑल्सो यू नो एनकरेज द कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर सबका साथ सबका विकास करंट गवर्नमेंट का जो अप्रोच है सबका साथ सबका विकास अप्रोच इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इक्वल डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स अकेले अकेले डेवलपमेंट नहीं कर सकते मतलब पी एम एंड अदर सेंट्रल मिनिस्टर्स हैज टाइम एंड अगेन एम्फोजाइज ऑन दिस थिंग कि भाई आप चाहे कोई भी पार्टी के हो आपके साथ ही मिलकर हम डेवलपमेंट कर पाएंगे अगर आपको कॉपरेशन मिलेगा तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे ठीक है पूरे इंडिया को हम अपने बेसिस पर डेवलप नहीं कर सकते सो so, uh, इज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नेक्स्ट इज अदर एरियाज और कौन कौन से कॉपरेटिव फेडरलिज्म है के एरियाज हैं जहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी सबूत मिलता है एक तरह से तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म स्टैब्लिश इन वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्टीट्यूशन कौन कौन से है आर्टिकल टू फोर्टी फाइव टू फोर्टी सिक्स टू सिक्सटी वन टू सिक्स थ्री टू एट्टी ठीक है ये आप सब कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कौन से कौन से आर्टिकल्स हैं फॉर एक्साम्पल मैं बता देता हूँ टू एट्टी फाइनेंस कमीशन ठीक है टू सिक्सटी थ्री इंटर स्टेट काउंसिल ठीक है और ये वाले आप बताओ ठीक है एंड अदर्स तो ये एक तरह से ये आर्टिकल्स सीधा सीधा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट इज नीति आयोग इट प्रमोट्स कंपटीशन अमंग द स्टेट्स ठीक है जीएसटी वन नेशन वन टैक्स सिस्टम कर दिया हमने ठीक है सेवन शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर ठीक है ऑल इंडिया सर्विसेस इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी ठीक है जो कैडर बेस्ड सिस्टम है हमारे यहां ठीक है इसमें सेंटर जो अपॉइंट करता है ऑफिसर्स को और दे वर्क फॉर द स्टेट्स थ्रू आउट देयर ड्यूरेशन ऑफ यू नो सर्विस तो दिस ऑल्सो यूनिफॉर्मिटी फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज रिकॉग्निशन ऑफ एक्शंस डॉक्यूमेंट्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थ्रू आउट इंडिया ठीक है तो so, ये वाला जो पर्टिकुलर कीवर्ड है आप यूज कर सकते हो नॉट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट ये फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज जो है दिस आल्सो रिकॉग्नाइजेस द एक्शंस डॉक्यूमेंट्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थ्रू आउट इंडिया ठीक है सबको जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट में या हाई कोर्ट ने कुछ कहा वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है ये वाली चीज है कि एवरीबडी बिलीव्स इन इट ठीक है पीपल यूज द कोर्ट्स ऑफ द कोर्ट्स टू यू नो फर्दर एज एन आर्ग्यूमेंट कि भाई वो सब जगह फॉलो होता है अगर किसी हाई कोर्ट ने कुछ बोला या किसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाई इज इट नीडेड टू अड्रेसनल डिस्पेरिटीज नंबर वन ठीक है जो अलग अलग रीजन में डेवलपमेंटल लेवल पे जो दिक्कतें हैं के एक पर्टिकुलर रीजन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एक, एक बिल्कुल पीछवा, पीछे है, है जैसे बिहार वर्सेस महाराष्ट्रपल you know, uh, ऐसा नहीं है कि बिहार uh, एक लेफ्ट है बट रिलेटिवली बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ठीक है तो रीजनल डिस्पेरिटीज जो रह गई है रूरल वर्सेज अर्बन में या यू नो पोर्ट वाले स्टेट्स एंड इंटरलैंड यानी स्टेट्स तो इसको ब्रिज करने के लिए सोशो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो फिल करना है ये इसके ये कोपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू ही हो सकता है मतलब जो अमीर स्टेट्स हैं वो हेल्प करे गरीब वाले स्टेट्स की कि भाई तुम तो हमारा फंड यूज करो अपने लोगों को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजो मतलब माइग्रेशन बाई प्रमोटिंग माइग्रेशन एंड ऑल सच थिंग्स अफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कोऑपरेशन विद विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लान बहुत अच्छे बन जाते हैं लेकिन अगर स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहा सेंटर के साथ तो डेफिनेटली डेवलपमेंट कहीं ना कहीं करेगा इंपॉर्टेंट ठीक है हर स्टेट को डेवलपमेंट की आवश्यकता है ठीक है आप एक पार्टी से बिलोंग करते हो आपकी आपके स्टेट में भी अगर पर्टिकुलर पार्टी ही है तो उसको आप ज्यादा फंड दो दिस should not be the thing while distributing the funds. ठीक है? There should be a, a, a fair criteria, a well defined criteria जो law में हो. ठीक है? और इस case इसी के लिए finance commission बनाया गया था. तभी balance development हो पाएगा. ठीक है? तो यही बात करता है कि भाई fair resource sharing हो इसके लिए cooperative federalism बहुत जरूरी है. Strengthening democracy, granting autonomy to the states and considering diverse needs in decision making. मतलब one size fits all approach doesn't work. टॉप डाउन अप्रोच वर्क ऑल टाइम्स बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से प्लांट्स लेके आओ पैसे हम देंगे दिस दिस विल वर्क मोर बिकॉज ऑटोनॉमी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अदरवाइज कुछ यू नो टाइड फंड वाली बात अगर कर दोगे आप तो कोई मतलब ही नहीं है डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा कोलेबोरेशन ऑन इन इमर्जिंग इश्यूज ठीक है जो भी इमर्जिंग इश्यूज जैसे कोविड आया नेशनल सिक्योरिटी आया टेररिज्म है तो इसमें आपको सेंटर का कोऑर्डिनेशन चाहिए ही रहेगा क्योंकि सम एट सम प्लेसेस डिजास्टर आ रहा है कोई भी ठीक है तो वहां पे ज्यादा एक्सपर्टीज फॉर एग्जांपल एनडीएमए की बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो उसका एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में तो वो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को ट्रेन करे ठीक है उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे ठीक है स्टेट्स अपने आप किसी डिजास्टर को नहीं झेल सकता जैसे सपोज साइक्लोन आया हो उड़ीसा में तो अब सेंटर को वहां पर इंटरव्यून करना ही पड़ेगा अगर आप लड़ते रहोगे तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल कि आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर पाओ

तो डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स बना रहा है ऐसा, ऐसा कई बार बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स आई तो उसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू कर दिया अब स्टेट्स के पास कुछ बचा ही नहीं कि वो कैसे एक्ट करें सिचुएशन में ठीक है तो अब वो पूरा सेंट्रल लेवल से डिसाइड हो रहा था तो दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर सेंट्रलाइज्ड है पावर नेक्स्ट इज पोलिटिकल डिफ्रेंसेज टारगेटिंग अपोजिशन रूल स्टेट्स एंड डिनाइंग दैम फंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज के भाई बीजेपी की सरकार सेंटर में कांग्रेस की सरकार स्टे, आ, स्टेट में तो वो उसको फंडस ही नहीं दे रहा जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कर्नाटक वॉन्टेड टू आफ्टर कमिंग ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक वॉन्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट राइट्स फॉर वन ऑफ द स्कीम्स बट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में एफ सी आई ने मना कर दिया कि हमारे पास राइट्स नहीं है तो नाउ कर्नाटका गवर्नमेंट इज यू नो ट्रांसफरिंग द मनी फॉर द राइस इन द अकाउंट्स तो दीज थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स के भाई पोलिटिकल डिफरेंसेज की वजह से कई बार फंड्स या और भी चीजें जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलती हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स मीडिएटिंग डिस्प्यूट्स ओवर लाइक वाटर लैंड ऑफन टेकिंग साइड्स ये कई बार होता है ठीक है कि भाई ए, जो सेंटर है अपनी पार्टी की जो गवर्नमेंट है

तो डिफिकल्टी होती है भाई जैसे मान लो हिली स्टेट्स है तो वहां पे डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग अलग है ठीक है वो जिस तरह से रहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग अलग है अगर आप वहाँ जबरदस्ती जाके थर्मल पावर प्लांट बनाना चाहोगे तो वहां पे एक तो बनाना पॉसिबल नहीं है ठीक है दूसरा उसमें बहुत खर्चा होना है तो लेट देम डिसाइड वो वाली चीज कि भाई डाइवर्स फैक्टर्स को आप दिमाग में रख रहे हो वाइल्ड प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट और नॉट तो अड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज लाइक सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है ये आपको ध्यान रखना है बाई डूइंग पॉलिसी मेकिंग तो ये चैलेंज एक बहुत बड़ा आता है इंटरफेरेंस इन स्टेट मैटर्स ये कई बार हो जाता है लैक ऑफ ऑटोनॉमी फॉर स्टेट दिस लीड्स द सेंटर्स टू इंटरवीन इन द स्टेट अफेयर्स छोटी छोटी चीजें माइक्रो मैनेज करने लगते हैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोवर्सी ओवर द फार्म लॉज एंड अपोजिशन फ्रॉम सेवरल स्टेट्स ठीक है जब फार्म लॉज लेके आई थी सेंट्रल uh, गवर्नमेंट तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और वहां पर नहीं लागू हुआ ठीक है बट सेंट्रल गवर्नमेंट केप्ड पुशिंग फॉर पासिंग ऑफ लॉज ठीक है तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो गई थी लॉ एंड ऑर्डर भी हो गई थी ठीक है जैसा कि आपने सुना था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर घुस गए थे दिल्ली में ऑन ऑल थिंग्स काफी लंबा प्रोसेस प्रोटेस्ट चला एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फॉर्म लॉज वापस लेने पड़े तो दीज आर द माइक्रो मैनेजिंग ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द सेंट्रल लेवल ठीक है जबकि वो एक स्टेट सब्जेक्ट था नेक्स्ट इज

अब यहाँ पे पूरी ऑटोनॉमी दे दी है स्टेट्स को उनको बोला है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं आप डिसाइड करो कैसे डेवलपमेंट करना है नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी ठीक है और स्टेट्स के पास बहुत कम यू नो फ्लेक्सिबिलिटी बचती थी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स बनाने के लिए अब ये चीज थोड़ी तो कम हो गई है तो रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है बहुत सारी स्कीम्स की बहुत कम स्कीम्स हो गई हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के नाम पर

टिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटेटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई कितनी आसानी से कितने एक्सक्लूसिव कंसल्टेशन के बाद एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद जीएसटी आया वन नेशन वन टैक्स ऐसी कंट्री में जहां इतनी डायवर्सिटी हो ठीक है कैसे रेडी हुए तो दिसेंज था जिसको ओवरकम किया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव वाई नीति आयोग स्पेसिफिक लाइक मीटिंग्स विदिस्टर्स शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी सपोर्ट इसके अलावा रैंकिंग ठीक है अलग अलग इंडेसेस इंडाइसेस वगैरह ये सब जो लेके आए हैं और कौन से स्टेप्स लिए गए हैं स्ट्रेंदनिंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल फॉर डिस्कशिंग एंड सेटलिंग इंटर स्टेट फ्रिक्शंस काफी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए जैसे अभी लेटेस्ट है असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना यू नो बॉर्डर इशू जो है रिजोल्व किया जो पिछले वीडियो में मैं इसको, इस पर डिस्कस किया इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोकल लेवल पे पावर फंड्स और यू नो जो फंक्शनरीज है उसको प्रोवाइड करना रीएक्टिवेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट काउंसिल टू हार्बनाइज द एक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर इसका रीएक्टिवेशन हुआ सेंट्रल स्टेट काउंसिल ठीक है प्रमोशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय द स्टेट्स ऑन कंटेंशियसूज लाइक लैंड लेबर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब स्टेट्स जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी वो स्कीम्स अदर स्टेट्स भी रेप्लीकेट करते हैं ठीक है अपना एक पूरा यू you नो know, जत्था भेजते हैं वो एनालाइज करता है चीजें और अपने आप ही रेप्लीकेट करने की कोशिश करता है दिस थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग बेस्ट प्रैक्टिस ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपीडिशियस अप्रूवल प्रोसेस फॉर स्टेट इनएक्टमेंट्स ठीक है जो भी स्टेट अपने यहाँ लॉ लाना चाहता है तो पहले क्या होता था, था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती करती थी बहुत दिनों तक बिल अटका हुआ है प्रेसिडेंट के लेवल पे ये अब ज़्यादा जल, जल्दी हो रहा है खासकर रिफॉर्म्स रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं आर्बिट्रेशन जि, रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाती है ना वहाँ पर पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी फास्टली एंड वेरी स्विफ्टली दे आर यू नो क्लियरिंग अप द मैस ऑफ द सिस्टम जो भी लाइंड अप इशूज थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के फील्ड में कोलेबोरेशन विद द स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज डब्ल्यू टी ओ एंड इन्वायरमेंटल डिसीजन कुछ ऐसे इशूज होते हैं जहां पे सारे स्टेट्स का कॉपरेशन रिक्वायर्ड होता है बट छोटी छोटी चीजें हैं मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज के ऑब्लीगेशन को पूरा करने के लिए तो वहाँ पे भी एक बेटर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है विद इन द स्टेट्स ठीक है नेक्स्ट इज रोल ऑफ नीति आयोग यहाँ पे स्पेसिफिकली नीति आयोग को मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उनके इनिशिएटिव्स के बारे में बात करना जरूरी है आप दो तीन एग्जांपल्स uh, यहीं पे दो तीन पॉइंट्स आपको सीधे यहाँ से मिल जाते हैं नीति आयोग एम्फोसाइजेस द कोऑपरेटिव फेटरलिज्म पहली बात तो बना ही इसी बेसिस पे है

ंगस आर है नीति आयोग नीति आयोग इज वर्किंग एज द फैसिलिटेटर फॉर द शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन द इनफॉर्मेशन ठीक है स्टैब्लिशिंग डायमिक इंस्टीट्यूशन मैकेजम्स फॉर एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिसी मेकिंग ठीक है इंस्टीट्यूशनल मैकेजम्स बना रहे हैं भाई जैसे मान लो होम होम हो मिनिस्ट्री की वही स्कीम है तो सारे होम मिनिस्टर्स बैथ के साथ में बात करूं ठीक है सपोज रूरल पंचायती राज है उससे रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री है तो उसके सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के बाद में आपस आप में बात करें तो ये बैठ के काफी सारा हो रहा है इन द नीति आयोग नीति आयोग प्रमोश कॉम्पिटेटिव बाय अर्जिंग चीफ मिनिस्टर टू इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द स्टेट डेवलपमेंट एज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो इंडेक्स है वो इसी चीज की बात कर रहा है ठीक है तो दे आर काइंड ऑफ प्रमोटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग द रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स ठीक है दे आर अर्जिंग द स्टेट्स टू रिफॉर्म एज एज मच एज पॉसिबल तो वे फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन कैप यू नो कोऑपरेटिव फर्टलिज्म और क्या कर सकते हैं हम लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करो ठीक है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज आ जाती हैं नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिवोल्यूशन और बढ़ाओ फोर्टी टू परसेंट है बट और बढ़ाओ ठीक है स्टेट टू सेंटर टू स्टेट तो ठीक हो गया है बट स्टेट टू लोकल लेवल पे थोड़ा सा अभी कम है इस पर और काम करने की ज़रूरत है नेक्स्ट इज शेयर ब्रेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस अगेन जो हो रहा है उसको और अफेक्टिवली करो और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो उस चीज़ को और स्टैंडर्डाइज कर दो तो अमंग द स्टेट्स पर्टिकुलरली ऑन कंटेंशियस कंटेंशियसूज लाइक लैंड लेबर एंड नेचुरल इस केस में आप यू नो बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो स्टेट्स के बीच में रिवर का डिस्प्यूट था वाटर का डिस्प्यूट तो उन्होंने कैसे resolve किया ठीक है उस पर्टिकुलर बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करो और बाकी जैसे अभी एक या दो रिजोल्व हुए हैं बाकी दस बारह पड़े हैं तो उन लाइन पे बैठ के उसको रिजोल्व किया जा सकता है तो दिस कैन बी शेयर्ड ठीक है नेक्स्ट इज रिजॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट सेंटर सेंटर वर्सेज स्टेट जहां जहां चल रहा है ट्रिब्यूनल्स बनाओ तो आ, खासकर ऑन वाटर शेयरिंग इंटर स्टेट बॉर्डर्स ये सारे इशूज आप सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा ठीक है नेक्स्ट इज प्रमोट पैरा डिप्लोमेसी एनकरेज स्टेट्स टू अंडरटेक डिप्लोमेटिक मेजर्स इन एरियाज लाइक ट्रेड कॉमर्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस मेकिंग दैम इक्वल पार्टनर्स इन नेशनल डेवलपमेंट जैसे ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो स्कीम आई ठीक है इसमें एक्सचेंज कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहा है ठीक है ट्रेड प्रैक्टिस का एक्सचेंजेस हो रहे हैं ये सब चीजें जो हो रहा है तो पैरा डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी विद इन द स्टेट्स आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो ठीक है नेक्स्ट इंश्योर इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ और बेटर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसमें इंश्योर करो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के लिए जो माई जीओवी पोर्टल है ये भी एक अच्छा यू नो इनिशिएटिव्स है नाउ फाइनल वर्ड तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ वी कैन प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड दिस इज अ टेलर मेड यू नो वन ऑफ द कंक्लूजन जो आप यूज कर सकते हो जब भी आपके पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिलेटेड कोई क्वेश्चन या इससे आता है इंडिया नीड्स अ मिक्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉर प्रोग्रेस दोनों ही एक साथ चलाना पड़ेगा खाली कॉम्पिटेटिव uh, से भी नहीं होगा और खाली कोऑपरेटिव से भी नहीं होगा दोनों को कंपीट भी तो करना पड़ेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बैलेंसेज द कंपटीशन एंड प्रमोट्स इंटीग्रेशन मतलब कॉम्पिटिशन इज द मस्ट बट क्या हो जाता है और इंटीग्रेशन प्रमोट हो जाता है, हो जाता है. Is, ये भी आपने, जो आपने यूज किया था ऊपर इसको भी आपने इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया ठीक है नेक्स्ट इज सेंटर शुड इन्वॉल्व स्टेट्स इन डिसीजन मेकिंग एंड अलोकेट फंड्स वाइजली ठीक है नेक्स्ट अ यूनिफाइड मैकेनिज्म इज एसेंशियल टू कंबाइन कोऑपरेटिव एंड फेडरलिज्म फ्रॉम कॉमन गोल्स गोल्स सबके सेम है ठीक है Competition प्लस यू नो कोऑपरेशन कैसे हम बेटर वे में इंप्लीमेंट करें ठीक है और स्टेक होल्डर से चर्चा करें और ऑटोनॉमी दें और फंड्स दें कैसे कहां कहां हम इंश्योर कर सकते हैं ठीक है तो इसका एक राइट बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है टू अचीव द दू स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म So, this is all about uh, cooperative federalism. I hope you liked the issue and you understood the co concept completely. Like, share, and subscribe. We will come up with more new issues in the coming uh, days. Uh, if you want some particular videos on particular issues, you can mention them in the comment section. We will try to cover those issues also. Thank you and have a nice day.